गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस क्या आप लोगों को सीखना है कि पिरामिड को कैसे सॉल्व करते हैं? गाइस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। उससे पहले गाइस आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर से कर देना। तो गाइस पहले हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा कि पिरामिड क्यूब का बेसिक, इसको गाइस कहते हैं हम लोग टिप्स। ये टिप्स चार होते हैं, सामने तीन पीछे एक चार होता है। और गाइस सेकंड जो है वो हम लोग का सेंटर पीसेस। ये गाइस एक दो तीन, ये तीनों हम लोग का होता है सेंटर पीसेस। और अब जो ये वाला दो कलर का पीस देख रहे हो ना, इसको कहते हैं एज पीसेस। गाइस ये तो आप लोगों को बेसिक मालूम चल ही चुका है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, पहले क्यूब को स्क्रम्बल कर लेता हूँ। इस आप लोग देख सकते हैं गाइस कि हम लोग का पिरामिड क्यूब कितना बढ़िया से स्क्रैम्बल हो चुका है। गाइस अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टिप्स के कलर को मैच कर लेना पड़ेगा। एक दफ़ा घुमा आ गया आप अगर कोई एक, जैसे गाइस हम लोगों ने एक टिप्स को सॉल्व किया और ऐसे ही हम लोगों को तीनों टिप्स सॉल्व कर लेना पड़ेगा। इसको एक दफ़ा घुमा नहीं आया, एक दफ़ा घुमाया आ गया। अब गाइस ये वाला टिप्स को भी सॉल्व किया, एक दफ़ा घुमाया आ गया। इसको भी गाइस एक दफ़ा घुमाया आ गया। अब गाइस ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है वो हम लोग को क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग को सीखना पड़ेगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो तीनों सेंटर पीस देख रहे हो ना, ये तीनों सेंटर पीस को सॉल्व करते हैं। हुआ कैसे करते हैं गाइस, एक मैं बात बोल दूँ वो आप लोगों को कैसे पता करना है कि गाइस यहाँ पर येलो का बेस बनेगा कि यहाँ पर ग्रीन का बनेगा, रेड का बनेगा, ब्लू का बनेगा, वो गाइस आप लोगों को पता करना है। आप लोग मान लीजिए किसी भी एक कलर को चूज़ कर लेना, जैसे गाइस मैं करता हूँ येलो, मैंने अभी येलो को चूज़ किया। अभी हम लोग को ये जो चारों टिप्स होता है ना, जो चारों टिप्स में हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर येलो कलर नहीं है। मेरा बात आप लोगों को समझ में आ रहा है तो, कि कहाँ पर येलो नहीं है। जैसे गाइस मैं एक वाला टिप्स में तो येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, हाँ गाइस इसमें येलो नहीं है। ऐसा पीस को हम लोग रखते बैक में, और इसका जो बॉटम में लिया रहता है इसको हम लोग रखते हैं टॉप में। अब गाइस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर येलो का सेंटर पीस से मैच करना पड़ेगा। एक दफ़ा घुमाया नहीं आया, दो दफ़ा घुमा आ गया, फिर से गाइस इसको भी मैच कर, एक दफ़ा घुमाया आ गया, इसको भी एक दफ़ा घुमा नहीं आया, दो दफ़ा घुमाया आ गया। अब गाइस क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हम लोगों का सेकंड स्टेप भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोगों को करना पड़ेगा ये कि हम लोग को ये जो दो कलर का जो एज पीसेस होता है ना, वो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। वो हम लोग सॉल्व कैसे करें, पहले तो गाइस हम लोग को ऐसे एक पीस ढूंढना पड़ेगा जिसमें एक येलो और रेड है, क्योंकि गाइस हम लोग का यहाँ पर येलो और रेड का ही सेंटर भी एज पीस बनेगा। येलो और रेड घुमाया नहीं आया, येलो और रेड का गाइस हम लोग का यहाँ पर है सेंटर पीस, लेकिन ये वाला पीस तो यहाँ पर लगा हुआ, इसको हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर कैसे निकाले, एक दफ़ा ऊपर घुमाया, यू को ऐसा किया, फिर ये बाहर निकल गया। अब गाइस हम लोग को अब गाइस ये वाला पीस हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ऐसे किया। फिर गाइस अभी हम लोगों को एक एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ेगा, ये वाला एल्गोरिदम। फर्स्ट हाँ, यहाँ पर जो गाइस है आर मतलब लेफ्ट राइट लेयर, एल मतलब लेफ्ट लेयर भी नीचे, फिर से आर मतलब आर लेयर, एल मतलब लेफ्ट लेयर। तो अभी गाइस क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये वाला जो येलो का पीस है ना, ये वाला येलो रेड का पीस, इसको हम लोग को फ्रंट में रखना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको ऐसे रखेंगे तो ये वाला पीस ठीक से नहीं लगेगा यहाँ पर। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, येलो को फ्रंट में रखना पड़ेगा। तो गाइस मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में ज़रूर से आ रहा होगा। अब गाइस हम लोगों को ये वाला एल्गोरिदम लगाना है, आर को नीचे, एल को नीचे, आर को ऊपर,
एल को ऊपर। गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग का ये वाला पीस भी पूरा ठीक ठीक से इसके सील लग चुका है। अभी हम लोगों को लगाना पड़ेगा ये वाला पीसेस। तो यहाँ पर लगेगा क्या, ग्रीन और येलो का पीस। ग्रीन और येलो का पीस कहाँ है? हाँ गाइस यहाँ पर हम लोग को मिल चुका है ग्रीन और येलो का। और ये वाला गाइस ठीक जगह से लगा हुआ है येलो फ्रेंड में। अगर गाइस आप लोगों का येलो यहाँ पर होता तो आप लोग क्या लगाते पहले, आर एल और अभी हम लोग का क्या है येलो इधर है, तभी हम लोग का क्या लगाएंगे एल आर डाउन एल डाउन आर डाउन। गाइस देख सकते अभी हम लोग का एक जो पूरा जो लेयर है वो वाला लेयर पूरा सॉल्व हो चुका है। अभी गाइस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोगों का ये वाला एल्गोरिथम का काम ख़त्म। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसके इसका सेंटर पीसेस से मैच कर लेना पड़ेगा ब्लू। हाँ गाइस ये जो हम लोगों ने है ब्लू से ब्लू को मैच कर लिया है। अभी गाइस हम लोग बढ़ते हैं हम लोग का सेकंड स्टेप में। गाइस अभी हम लोग को देखना पड़ेगा ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा कि आप लोगों को देखना पड़ेगा ये वाला जो ग्रीन पीस है और इसका जो एक पीस ब्लू है, ये वाला ब्लू से ब्लू मैच है। फिर आप लोगों का यहाँ पर जो है ग्रीन और रेड का है, ग्रीन से ग्रीन मैच है। लेकिन गाइस ये वाला पीस जो है, ये वाला पीस दोनों तरफ से खराब है। ऐसा पीस को गाइस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैक में रखना पड़ेगा। और जो सही पीसेस लगा है उसको हम लोग फ्रंट में रखेंगे और हम लोग लगाएंगे ये वाला एल्गोरिथम। क्या करना पड़ेगा गाइस, पहले हम लोग राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तो आप लोग सीख ही चुके होंगे। अभी हम लोग को लगाना है गाइस आर डाउन आर अप एल अप। लगा लिया, अभी हम लोग को करना पड़ेगा यू। यू का एरो हम लोग को इधर में ले जाना पड़ेगा, फिर हम लोग को एल को ऊपर करना पड़ेगा, फिर हम लोगों को यू को ऐसे लाना पड़ेगा, फिर आर को डाउन करना पड़ेगा। और गाइस हम लोग का क्यूब सॉल्व। अभी बढ़ते हम लोग अपना सेकंड स्टेप के पास। अभी हम लोग का सेकंड स्टेप में जो है गाइस हम लोग को कुछ ऐसा क्यूब को देखने मिलेगा कि गाइस एक तरफ से पूरा सॉल्व है और सिर्फ दो तरफ से ये वाला ख़राब है। इसको सॉल्व करने के लिए गाइस मैं एक एल्गोरिथम को सामने रख रहा हूँ, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये वाला एल्गोरिथम हम लोग को लगाना है गाइस। इसमें क्या करना पड़ेगा, वही गाइस राइट और लेफ्ट हैंड है, फिर इसका यू है। गाइस यू का मतलब है अप लेयर, ये वाला जो अप लेयर है यू का मतलब अप लेयर है और एल का मतलब तो लेफ्ट लेयर मतलब ये वाला लेयर होता है। पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा गाइस, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड एल्गोरिथम लगा लेंगे। आर को नीचे एल को नीचे आर को ऊपर एल को ऊपर लगा लिया। अब गाइस क्या करने पड़ेगा हम लोग को, यू का एरो उस तरफ है मतलब हम लोगों को यू को उस तरफ लेना पड़ेगा। आर का एरो ऊपर की तरफ, एल का एरो ऊपर की तरफ है, एल को ऊपर ले जाएंगे। गाइस यू का एरो बैक की तरफ है, बैक में ले जाना पड़ेगा। एल का एरो नीचे है, नीचे ले जाना पड़ेगा। गाइस ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप का क्यूब सॉल्व। अभी हम लोग बढ़ते हैं गाइस हमारा लास्ट और फाइनल एंड थर्ड स्टेप के बारे पास। गाइस हम लोग का थर्ड स्टेप में कुछ हम लोग को क्यूब ऐसे देखने मिलेगा। अब गाइस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस एल्गोरिथम की मदद से। गाइस इसमें क्या है, आर यू आर यू आर यू। गाइस यू का एरो हर बार इसी तरफ है लेकिन आर का एक बार अप हो रहा है, एक बार डाउन हो रहा है, एक बार अप एक बार डाउन। तो गाइस मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। गाइस पहले आर को ऊपर, यू को उस तरफ, आर को नीचे, यू को उस तरफ, आर को ऊपर, यू को उस तरफ, फिर आर को नीचे। देख सकते हैं गाइस फिर से हम लोग का थर्ड केस में भी क्यूब सॉल्व हो चुका है। आई होप कि गाइस आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया होगा कि गाइस आप लोग पिरामिड को सॉल्व करना पूरा सीख गए हो। तो चलिए गाइस तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।